वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट। दिव्यांगों ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निकाली तिरंगा यात्रा। वाराणसी में मंगलवार को सर्किट हाउस पर गणतंत्र दिवस से पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा निकाली, जिस दौरान दिव्यांगों ने भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाते हुए शहीदों को याद किया। बाइट विजय पांडेय। किस तरह की रैली आप लोगों के द्वारा निकाली जा रही है? हम 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को अपना तिरंगा यात्रा निकालते हैं और 26 जनवरी सभी लोग मनाते हैं, लेकिन हम अपने जो वीर सपूत वीर जवान हमारे शहीद हुए हैं, हम उनके यादगार में और उनके जो है उसके यात्रा में हम निकालते हैं उनके, जो कि हमारे 25 जनवरी को एक देश को एक संदेश देने के लिए युवाओं को और देश के हर नौजवानों को कि 26 जनवरी सब लोग मनाते हैं। किस तरह का संदेश देना हम समाज में और देश के युवाओं को, हर देश के वासियों को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि अपने जो सरहद पे जो अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, उनकी हर वक्त हर समय याद करेंगे, कभी भी कम है, उनकी शहादत में कितना भी हम नमन करें तभी कम है, उनको हमें हर पल हर वक्त याद करना है, इसलिए जो सरहद पर सुरक्षा करते हैं तो हम हिंदुस्तानी चैन की नींद सोते हैं, वो हमारे लिए रहते हैं, आखिर में रात दिन वहाँ पर जवान खड़े रहते हैं कि किसके लिए, हमारे भारत और हमारे देश के लिए, हम इसलिए वहाँ पर हर जवानों को शरण देना चाहते हैं कि उनको जो हमारे शहीद हुए हैं उनको बराबर हर समय याद किया जाए। 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर हम हमेशा उनके याद में निकालते हैं रैली।